दोस्तों, किसी देश या समाज की उन्नति में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और भारत प्राचीन काल से वो भूमि रही है जहां पर विश्व भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई एजुकेट चैनल पर और मेरा नाम है प्रतिभा आर्य। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के सिलेबस के अंतर्गत हमें प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास पढ़ना है। ब्रिटिश काल की शिक्षा का वीडियो बनाया जा चुका है जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज उसके आगे का क्रम हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भारत में प्राचीन शिक्षा की पद्धतियों के विषय में हमें जानना है। इसके दो वीडियो बनाए जाएंगे। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि भारत में शिक्षा का किस प्रकार से विस्तार था। दोस्तों, जिस प्रकार आज के लोग अब्रॉड पढ़ने की होड़ बचा के रखते हैं, यानी कि अध्ययन के लिए बाहर की तरफ जाते हैं, अमेरिका में, कैम्ब्रिज इत्यादि यूनिवर्सिटीज में, वो समय ऐसा था, वो ऐसा दौर था कि विश्व के सभी देशों से भारत भूमि पर लोग पढ़ने के लिए आते थे। जिस तरह वर्तमान में तकनीकी के लिए जापान को जाना जाता है, बहुत अत्यधिक विकास के लिए अमेरिका को जाना जाता है, आदिवासी जनजातियों के लिए और प्राचीन इतिहास के लिए, मानव के प्राचीन इतिहास के लिए अफ्रीका को जाना जाता है, प्राकृतिक दिशाओं के लिए अफ्रीका को जाना जाता है, ठीक इसी प्रकार जब किसी को आध्यात्म दर्शन और शांति की तलाश होती है, किसी भी देश से आज भी लोग भारत आते हैं। वो बात अलग है कि शिक्षा की व्यवस्था वर्तमान में बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है और इसका पूरा पूरा कारण है ब्रिटिश लोगों का हमारे देश के ऊपर आधिपत्य। तो आइए, प्राचीन भारत में जो भारत की समृद्धि थी शिक्षा के संदर्भ में, आज हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, शिक्षा यदि संस्कृत में देखा जाए तो शिक्षा शिक्ष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है जानना, शासन करना, यानी कि ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन पर शासन करना ही शिक्षा है। केवल किताबी ज्ञान को शिक्षा नहीं कहा गया। तो सबसे पहले जो शिक्षा शब्द हमको दिखाई देता है वो विश्व की जो सबसे पहली पुस्तक है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के अंतर्गत सातवां मंडल है। उस सातवें मंडल में शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है और वहां ये बताया गया है कि आंतरिक और बाह्य अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ओर अग्रसर होना शिक्षा है। वहां पर एक शब्द और बताया गया है जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 109वें सूक्त में शिक्षा ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए ब्रह्मचारिण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार सबसे पहले भारत के अंतर्गत ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है और 10वें मंडल के 109वें सूक्त के अंतर्गत सबसे पहले ब्रह्मचारिण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है शिक्षा ग्रहण करने वाला या शिक्षार्थी, विद्यार्थी। इसके अंतर्गत बताया गया है दोस्तों ऋग्वेद में कि प्राचीन भारत की जो शिक्षा है वो केवल किताबों की ज्ञान के लिए या रटंत विद्या के लिए ना होकर के शिक्षा का अर्थ उनके लिए व्यापक था, जिसके अंतर्गत वो बताते थे कि नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक रूप से एक मनुष्य का विकास कर देना और उसे देश और समाज के लिए एक उत्तरदायी नागरिक बना देना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि जो प्राचीन भारत है इसके अंतर्गत शिक्षा बहुत ही व्यापक अर्थों में देखी जाती थी। केवल गुरुकुलों, आश्रमों के अंतर्गत जाकर के विद्या ग्रहण करना ही नहीं, वहां पर जो अध्ययन अध्यापन का केंद्र होता था मुख्य रूप से आत्मिक विकास करना होता था और इन सारी चीजों तक पहुंचने के लिए जो अनुशासन, चारित्रिक और सदाचार चाहिए होता था वही नैतिक और चारित्रिक विकास के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार शिक्षा बहुत ही व्यापक अर्थों में प्राचीन भारत में हुआ करती थी। अब देखते हैं जो शिक्षा है, जैसे वर्तमान में स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार थी, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो वो स्थान जहां शिक्षा दी जाती थी उसे स्कूल, विद्यालय ना कह करके गुरुकुल कहते थे। यानी कि वर्तमान में केवल 5 या 7 घंटे के लिए हम पढ़ने जाते हैं, ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल में जाते थे तो उनके खाने पीने, वस्त्र इत्यादि से लेकर समस्त व्यवस्थाएं जो होती थी, जिस भी आचार्य की गुरुकुल में वो जाता था बालक, वही करते थे और वो भी बिना किसी मूल्य के। उस जमाने में भी भारत विश्व का सर्वप्रथम ऐसा देश था जहाँ शिक्षा हमेशा निःशुल्क होती थी। चाहे कोई राजा का बेटा है, चाहे कोई रंक का बेटा है, लेकिन शिक्षा हमेशा निःशुल्क होती थी। वो बात अलग है कि जो राजा इत्यादि होते थे वो शिक्षा के लिए भूमि या दान या भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करने का बीड़ा उठा लेते थे, लेकिन मुख्य रूप से जो शिक्षा व्यवस्था थी ये एकदम निःशुल्क होती थी। वो समावर्तन संस्कार के दौरान, या जिसे कॉन्वोकेशन कहते हैं,
जब उनको डिग्री मिलती थी या समावर्तन जब होता था तो वो गायों का एक जोड़ा दे देना, ये परंपरा थी, ये इसको शिक्षा का मूल्य नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार शिक्षा का उस समय में जो स्थान था उसे हम गुरुकुल कहते थे, और गुरुकुल में कब जाते थे, उपनयन संस्कार से विद्यारंभ होता था। यानी कि वर्तमान में भारत के अंतर्गत जो 16 संस्कार पाए जाते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जब बालक माँ के गर्भ में आता है तब उस गर्भाधान संस्कार से मर जाने तक अंत्येष्टि संस्कार तक कुल मिलाकर के ये 16 संस्कार होते हैं। इसके अंतर्गत बालक जब आचार्य के पास अध्ययन करने के लिए जाता है उसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। तो उपनयन संस्कार के बाद क्या हो जाता है, विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता है, यानी कि विद्या उसको देना शुरू कर दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि शिक्षा जो है गुरुकुल में होती थी, विद्यालय का नाम गुरुकुल है, विद्यारंभ उपनयन संस्कार से होता था। अब तीसरी चीज ये है कि गुरु के सानिध्य में सीखता था और समावर्तन तक सीखता था। समावर्तन संस्कार भी होता है, ये संस्कार कब होता है, जैसे वर्तमान में ग्रेजुएट होने के बाद डिग्री मिलती है, ठीक इसी प्रकार से जो स्नातक हो जाते थे या अपनी विद्या को समाप्त कर लेने के बाद उन्हें समावर्तन संस्कार पर, जिसे कि वर्तमान में कॉन्वोकेशन कहते हैं, दीक्षांत समारोह जिसे कहते हैं, वो ये दीक्षांत समारोह समावर्तन है, यहाँ तक की शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती थी। तो इस प्रकार से बालक जब 8, 10, 12 साल का होता था तब से लेकर के जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता, खाने पीने अध्ययन अध्यापन इत्यादि की पूरी व्यवस्था, वस्त्र आदि की व्यवस्था गुरुकुलों के अंतर्गत की जाती थी, और इसके अंतर्गत समावर्तन संस्कार के द्वारा उसे आश्रम में पढ़ाई पूर्ण करके भेजा जाता था। वो बात अलग है कि इसके बाद भी अगर बालक वहाँ रह करके सेवा कार्य करना चाहता है, अपने और अध्ययन अनुशीलन को बढ़ाना चाहता है, तो ये शिक्षार्थी के ऊपर निर्भर करता था। यदि आप RPSC के किसी भी एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको एक और फायदा मिलने वाला है, और वो है 10% डिस्काउंट, और ये आपको मिलेगा मेरे कोड के द्वारा, जो है SKYEDUCARE। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के साथ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना बहुत ही आसान हो गया है। आपको इसमें सर्च करना है SK Kataria, और वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, उसको फॉलो करके आप मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सबको देख सकते हो, और साथ में आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसमें सर्च कीजिए SK Kataria। अब बात करते हैं शिक्षा पद्धति की। जैसे वर्तमान में लिखित और मौखिक, ये दो शिक्षा पद्धतियां होती है, प्रायोगिक भी होती है, लेकिन प्रायोगिक का इतना अधिक स्थान वर्तमान में फिर भी नहीं होता। लेकिन प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी इसके अंतर्गत शिक्षा को ग्रहण करने के 3 प्रक्रियाएं होती थी। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान 3 विधियां थी। सबसे पहले श्रवण। श्रवण, जब हम शिक्षण विधियां इत्यादि पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सुनने से बहुत अधिक याद होता है। जो छोटा बालक है, जो माँ के गर्भ से बिल्कुल एक मांस के पिंड की तरह हमारे जीवन में आता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता। बाकी जितनी भी वो ग्रामर है, जितना भी व्याकरण और भाषा का ज्ञान है, वो सुन सुन करके प्राप्त करता है। उसको तो हम वाक्य बनाना नहीं सिखाते हमारी भाषा का, लेकिन वो जितना भी ज्ञान ग्रहण करता है वो कैसे ग्रहण करता है, सुन करके। तो शिक्षा पद्धति का सर्वप्रथम अंग क्या था, श्रवण, और इस श्रवण परंपरा के कारण ही हम वेदों को श्रुति कहते हैं। क्योंकि जब कागज नहीं थे, जब लिखने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, तब वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य सुनकर के किया जाता था, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति, सुन सुन करके पढ़ने और आगे बढ़ाने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता था, इसलिए सुनने का शिक्षा पद्धति में बहुत अधिक महत्व था। दूसरा होता है श्रवण, मनन और निदिध्यासन, जिसे कि हम सामान्य भाषा में गुनना कहते हैं, यानी कि जो सुन लिया है, जिसका ज्ञान हो गया है, उसको मन ही मन उसका आलोढ़न विलोढ़न करना या उसके विषय में विश्लेषण करना, जो सुना हुआ ज्ञान है उसको अपने आत्मज्ञान के अनुसार परखना, ये हमें इस प्रकार का ज्ञान मिला है, इसका आलोचना करना एक तरह से, इसका ये पक्ष भी हो सकता है, वो पक्ष भी हो सकता है, एक बेसिक जो ज्ञान है वो हो जाने के बाद हम चीज़ों का की आलोचना कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं, जो विचार विनिमय कर सकते हैं मन ही मन। तो इस प्रकार से जब
सुने हुए ज्ञान को दोहरान करता था या मन ही मन उसको आलोढ़न विरोढ़न करता था, इसको गुणना या मनन कहते हैं। तीसरी चीज होती है निधिध्यासन, यानी कि जो सुना हुआ, पढ़ा हुआ, देखा हुआ ज्ञान है उसको अपने व्यवहार में आचरण में लाना, सत्याचरण कर देना, यानी कि जो हमें सीखा है उसको अपने व्यवहार में सीख लेना, ये निधिध्यासन के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार जो शिक्षा पद्धति है इसकी ये प्रमुख तीन विधियाँ थी, ठीक है। जैसे लिखित, मौखिक और प्रायोगिक वर्तमान में तीन होती है, तो वो इसी प्रकार है। लिखित ना हो करके जो मुख्य रूप से क्या है यहाँ पर, श्रवण मनन और निधिध्यासन, लिखने का इतना वो प्रचलन उस समय नहीं था। आप देखते हैं कि जो संस्थान है, जिन शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत बालक पढ़ते थे वे किस प्रकार के थे, उनकी क्या व्यवस्था थी, उनका क्या प्रबंध किया जाता था, इस विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दोस्तों, जो शिक्षण संस्थान है ये दो प्रकार के होते थे, एक तो पिता के घर पे, दूसरा गुरु के आश्रम में। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो गुरु के आश्रम में नहीं जाते थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, पर गुरु के आश्रम में जाकर के अध्ययन करना बहुत ही सम्मानजनक माना जाता था उस समय। जैसे वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को सीखने की होड़ है ना, इस प्रकार जहां कहीं भी सभा में कोई व्यक्ति जाता था, वो अगर ये कह दे कि मैं संस्कृत भाषा जानता हूं, इस विषय में मैंने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसकी बहुत इज्जत होती थी। ये बात अलग है कि हम अपनी संस्कृति को भूल करके वर्तमान में अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन जो उस समय सम्मान का सूचक होता था वो था गुरु के आश्रम में जाकर के अध्ययन करना। अब देखिए दूसरी चीज होती थी पिता के घर अध्ययन करना। पिता के घर यानी कि पिता शिक्षक इत्यादि से कह करके उसके अध्यापन की व्यवस्था करवा दे, वो रोज घर में आए और अध्ययन करके पुनः वापस घर आ जाए। जब पिता के घर पे रह करके कोई भी शिष्य अध्ययन करता है उसे पितुरंतेवासी कहते थे, और जब गुरु के आश्रम में जाकर के अध्ययन करता था उसे अंतेवासी कहते थे, ठीक है। तो ये दोनों का हम भेद ध्यान रखेंगे। संस्थान में दो प्रकार के संस्थान होते थे, एक ऐसा जिसमें पिता का घर यानी कि व्यक्ति अपने परिवार में रहकर ही पढ़ाई करता था, उसके लिए अध्यापकों की व्यवस्था कर दी जाती थी। दूसरा होता है गुरु के आश्रम में, जिसे कि अंतेवासी कहा जाता है। अब देखिए अंतेवासी या पितुरंतेवासी ये किसके प्रकार है, ये शिष्यों के प्रकार है, यानी कि वे दो व्यक्ति, जब व्यक्ति गुरु के आश्रम में जाकर के पढ़ता है छात्र तो अंतेवासी कहलाता है, और वही छात्र जब पिता के घर पे पढ़े तो पितुरंतेवासी कहलाता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के ये शिष्य हो गए। अब ये शिष्य जिस जगह पढ़ते थे, जो शिक्षण संस्थान था, उसे चरण नाम हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें दिया गया है, यानी कि हमें जो इतिहास से पता लगा है वो, जैसे वर्तमान में हम कहते हैं महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, उस प्रकार शिक्षण संस्थान का क्या नाम था, चरण। ये चरण एक प्रकार का शिक्षण संस्थान होता था दोस्तों, और इसके अंतर्गत जो शिक्षण संस्थान है उसको हम चरण कहते थे। इसका जो संचालक होता था यानी कि इसको चलाने वाला, वो आचार्य या ऋषि होता था कोई ना कोई। जैसे कि आपने प्राचीन हमारे जो ग्रंथ है उसमें सुना होगा, वाल्मीकि रामायण तो लगभग सभी लोगों ने सुनी है जो भी भारतीय है, तो उसमें देखते थे ऋषि काश्यप, ऋषि वशिष्ठ, इनके यहाँ पर लोग अध्ययन करने जाते थे। तो ये अध्ययन करने ऋषि वशिष्ठ खुद नहीं पढ़ाते थे हर एक व्यक्ति को, उनके यहाँ पर उनके नाम से गुरुकुल था, ठीक है। तो वो जो गुरुकुल है वो उनके संचालक होते थे, राजा इत्यादि से उनका पूरा वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता था कि वो उनको दान दक्षिणा दे करके भूमि भी देते थे और उनके जो संचालन है उसके लिए भी पैसा देते थे। अब बात आती है संचालन समिति की। जैसे वर्तमान में एक समिति बनाई जाती है, स्कूल विद्यालय प्रबंध समिति, जिसे कि वर्तमान में स्कूल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं विद्यालय प्रबंध समिति, ठीक इसी प्रकार एक संचालन समिति होती थी जो कि सभी जो आचार्य इत्यादि हैं उन सभी का कार्य डिवाइड करती थी, यानी कि उनको मैनेज करती थी कि भाई आपको ये काम करना है। तो इसके लिए एक संचालन समिति होती थी जिसे कि परिषद कहा जाता था। तो इसका मतलब एक चरण एक संस्थान था, शिक्षण संस्थान, इसका संचालक एक आचार्य या ऋषि होता था, और ये जो संचालन होता था ये एक संचालन समिति के द्वारा होता था जिसे कि परिषद कहा जाता है, और इस परिषद का जो मुखिया है उसको आचार्य कहते थे, ठीक है। अब उपनिषद में भी ये जो चरण है ना, ये इसके अंतर्गत ये जो परिषद चलती है, यानी कि ये जो विद्यालय प्रबंध समिति प्राचीन काल वाली है, इसका उल्लेख उपनिषदों में भी आया है, और इसको पांचाल परिषद कहा जाता था। पांचाल परिषद, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन काल के अंतर्गत जो विद्यालय प्रबंध समिति थी उसे क्या कहते थे, तो पांचाल परिषद उसको कहते थे।
अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात शिक्षण संस्थानों की, जो शिक्षार्थी है उसके विषय में आज हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद अब देखिए, आपको दो नए शब्द यहाँ पर देखने मिलेंगे। एक तो शिक्षार्थी, जो कि शिक्षा ग्रहण करने वाला है। मुख्य रूप से तो उनको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया था, यानी कि एक तो पिता के घर पे अध्ययन करने वाला पितृवासी, और जो गुरु के आश्रम में अध्ययन करता है उसे अंतेवासी कहते थे। अब बात यह है कि हमारे जो ग्रंथ है उसमें चार वर्ग और आश्रम दिए गए हैं। उन चतुर वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार के वर्ग हैं, जो कि जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं थे। ये डिस्क्लेमर मैं यहाँ डाल दूं, ये कर्म के आधार पर थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों को मिलाकर के द्विज कहा जाता था। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, द्विज किसे कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों को मिलाकर के द्विज कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये कर्म के आधार पर होता था। मान लीजिए कोई वैश्य है, कोई बनिए के घर में जन्म लिया है, लेकिन उसके कार्य, उसके व्यवहार, उसका आगे भविष्य, अपना जो करियर वो बनाना चाहता है, वो बहुत ही क्षत्रिय वाले गुणों से युक्त है, यानी कि उसको मार धाड़ पसंद है। तो कोई बहुत अधिक बलिष्ठ है, जिसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है शारीरिक बल के आधार पर, तो वो वैश्य क्षत्रिय भी हो सकता था। और मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, जो कि जिसका अर्थ है लोगों की रक्षा करना, वो क्षत्रिय यदि बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ज्यादा सहज है, अध्ययन अध्यापन में उसकी रुचि है, तो वो ब्राह्मण भी बन सकता था। तो इस प्रकार से ये जो वर्ग थे, ये कर्मों के आधार पर थे, जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं थे। तो इस प्रकार प्राचीन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो शिक्षार्थी था दोस्तों, उसको शिक्षा द्विजों को दी जाती थी, द्विज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब देखिए, सबसे पहले जो ब्राह्मण था और क्षत्रिय था और वैश्य था, ये किन वर्षों में इनको शिक्षा दी जाएगी? शिक्षा देते समय इनका उपनयन संस्कार किया जाता है। अब ये उपनयन संस्कार क्या है, आप सब जानते होंगे, उपनयन संस्कार होता है, इसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। जब बालक गुरु के आश्रम में सर्वप्रथम जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो जैसे बैग, किताबें, पेन, ये एक विद्यार्थी की निशानी होती है, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहा जो शिक्षार्थी है, उसकी पहचान होती थी उसकी जनेऊ, जो कि तीन सूत्रात्मक, तीन धागों से युक्त होती है। ये तीन धागों से युक्त जनेऊ तीन ऋणों को हमको बताती है, मातृ ऋण, आचार्य ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण के अंतर्गत, या पितृ ऋण इसको कह दीजिए, पितृ ऋण के अंतर्गत माँ और पिता दोनों का संयोग हो जाता है। केवल पिता का ऋण नहीं होता, माता और पिता दोनों का ऋण इस पितृ ऋण में आ जाता है। दूसरा आचार्य ऋण, जो गुरु जिन्होंने हमें शिक्षा देकर के इस दुनिया में रहने लायक बनाया। और तीसरा ऋषि ऋण, जिन ऋषियों के आधार पर प्राचीन ज्ञान को हम वर्तमान में पढ़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जनेऊ, जिसके अंतर्गत तीन सूत्र होते हैं, ये तीन ऋणों को हमको बताती है। तो इस प्रकार शिक्षार्थी कब आता था? जब उसका उपनयन हो जाता था। और उपनयन होते समय ये जो तीनों चीज है, यानी कि किस वर्ष में वो शिक्षा आरंभ करेगा, किस प्रकार का जनेऊ ग्रहण करेगा, और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इन सब का गुण क्या प्रधान होता है, इन सब के विषय में ये अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। ब्राह्मण 8 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, उपनयन होता है उसका। उपनयन के बाद ही तो विद्यारंभ होगा, यानी कि पढ़ाया जाएगा। 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण का, 10 वर्ष की उम्र में क्षत्रिय का, और वैश्य का 12 वर्ष की उम्र में, यानी कि ये तीनों जो वर्ण है इनको द्विज कहते हैं, और दो दो वर्ष का इनमें अंतर है, तो आप पहचान जाइएगा। ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 10 वर्ष में, और वैश्य का 12 वर्ष में। अब बात करते हैं इनके उपनयन की। ब्राह्मण का जो जनेऊ होता है वो सूत से निर्मित होता है, सूत, ठीक है। क्षत्रिय का जो सूत होता है, यानी कि क्षत्रिय का जो जनेऊ होता है वो ऊन से बना होता है, और वैश्य का जनेऊ सन से बना होता है। तो ये ऊन, सूत, ऊन, सन, इनको याद रखना है आपको। अब जो ब्राह्मण व्यक्ति है, जिसने अध्ययन ब्राह्मण के स्वरूप में किया है, उसका प्रमुख गुण होता है सत्व, सत्गुण होता है। जो क्षत्रिय है ये रजोगुण की इसमें प्रधानता होती है, और जो वैश्य है उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। ये जो गुण हमने बताए हैं, ये
सभी में होते हैं, तीनों गुण सभी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि ब्राह्मण में जो इस प्रकार का मन सहज जीवन रखता है, अध्ययन अध्यापन यज्ञ याजन में रुचि रखता है, उसमें सतगुण की अधिकता होती है। सिर्फ सतगुण ही होता है ऐसा नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय में रजो की और वैश्य में तम गुण की अधिकता होती है, और ये सत्व गुण सत्य निष्ठा को प्रतिपादित करता है। जो रजोगुण है ये चंचलता का प्रतीक होता है और तमोगुण आलस्य का प्रतीक होता है। ठीक है, इस प्रकार प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार हमें इतिहासों से जो द्विजों की व्यवस्था प्राप्त होती है, उनके उपनयन का वर्ष प्राप्त होता है, साथ ही उपनयन में प्रयुक्त होने वाले जनेऊ के जो धागे हैं, उन तीन धागों का कौन कौन सी धागा प्रयोग किया जाता था वो हमने अध्ययन किया है। अब देखिए, शिक्षार्थी को उस समय ब्रह्मचारी कहा जाता था। यदि कोई लड़का है, कोई पुरुष है, और उसका अगर कोई क्लासमेट है यानी कि सहपाठी है, उसको सब्रह्मचारी कहा जाता था, सब्रह्मचारी। और यदि कोई महिला सहपाठी है तो उसे कठी कहा जाता था। पुरुष और महिलाओं की शिक्षा पृथक की रखी जाती थी, पुरुष और महिलाओं की शिक्षा बिल्कुल पृथक रखी जाती थी, लेकिन जब शास्त्रार्थ होता था तो महिला पुरुष का ऐसा कोई अलग से नहीं रखा जाता था। उस समय यदि समान कक्षा के कोई व्यक्ति हैं तो महिला पुरुष सहपाठी हुए ना, तो इस प्रकार महिला सहपाठी को कठी कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार शिक्षार्थी के हमने प्रकार पढ़े। अब हम अध्ययन करेंगे शिक्षक के प्रकारों का। जो आचार्य पाणिनि जी हैं, इन्होंने पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत चार प्रकार के आचार्यों का इसके अंतर्गत वर्णन किया है। तो ये चार प्रकार के आचार्य कौन कौन है, देखिए ये शिक्षक के प्रकार पाणिनि जी ने दिए हैं। पहला है आचार्य। आचार्य कौन होते हैं, गुरुकुल के कुलपति, वर्तमान में भी कुलपति होते हैं, तो जो कुलपति हैं आचार्य उन कुलपति को कहते थे, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय में जो कुलपति हुआ करते हैं उन कुलपति को आचार्य कहा जाता था। जैसे कहा हमने ऋषि कश्यप का जो आश्रम है, आश्रम का अर्थ है ये मान लीजिए ये उनका विश्वविद्यालय है, वो और उसके चांसलर हैं। तो इस प्रकार सबसे बड़ी पदवी होती थी आचार्य। इसके बाद होता है प्रवक्ता। ये प्रवक्ता क्या करता है, मंत्रों का और विषय का व्याख्यान करते थे, यानी कि वेद पढ़ाए जाते थे, साहित्य व्याकरण वेदांग इत्यादि चीज पढ़ाई जाती थी। तो पहले तो उन मंत्रों को रटना होता था, लेकिन उनका अर्थ और व्याख्या के द्वारा ही तो व्यक्ति ज्ञान सीखेगा। तो प्रवक्ता का काम होता था, जैसा कि नाम से ही लिखा गया है, प्रवक्ता। प्रवक्ता यानी कि विषयों का व्याख्यान करने वाला। अगला शिक्षक का प्रकार है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय क्या करता था, श्रोत्रिय जो कि मंत्र और वैदिक सूत्र जो है उनका रटवाता था, यानी कि मंत्रों को रटवाने का, सूत्रों को रटवाने का काम कौन करता था, श्रोत्रिय। और बाद में रहा बचा हुआ अध्यापक। अध्यापक क्या करता था, ये लौकिक विषय पढ़ाता था। वर्तमान में भी जो अध्यापक होता है ये लौकिक विषय पढ़ा करके वर्तमान समाज के हमको लायक बनाता है। ठीक है, तो अध्यापक कौन है, लौकिक विषय पढ़ाने वाला क्षोत्रिय है जो मंत्र और सूत्रों को रटवाता है। प्रवक्ता है जो कि विषय का व्याख्यान करता है, और आचार्य जो कि कुलपति होता है। तीन प्रकार के जो अध्यापक हैं इनका इसमें वर्णन आया है, धोराध्यापक, काष्ठाध्यापक, अत्याध्यापक। धोराध्यापक जो बहुत ही दयनीय होते हैं, दयनीय मतलब दया करने वाले, दयालु होते हैं। काष्ठाध्यापक जो कि कुछ कठोर होते हैं, और अत्याध्यापक जो कि बहुत ही अधिक कठोरता के साथ शिक्षा देते हैं, उनको ऐसा कहा जाता है। अब महर्षि पाणिनि ने ब्रह्मचारियों को एक शब्द कहा, वो है वर्णी। ये वर्णी शब्द पूछा गया है, इसे याद रखना है। पाणिनि के अनुसार ब्रह्मचारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है वर्णी। अब बात करते हैं कि हर एक आचार्य, जो भी टीचर्स होते थे उनके अंदर 20 से ज्यादा छात्र नहीं होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था थी। वर्तमान में जब हम बच्चे को ट्यूशन रखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके पास कितनी अधिक भीड़ है। तो ये व्यवस्था प्राचीन काल में भी थी कि एक आचार्य के पास 20 से अधिक अध्यापक न हो, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता और बालक भी नहीं पढ़ पाते। वो बात अलग है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप उसी जगह जाते हैं जहाँ सर्वाधिक भीड़ होती है। चलिए, अगला है विषय, यानी कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि प्राचीन काल में ऐसा नहीं है कि संस्कृत और वेद वेदांग ही पढ़ाए जाते थे। केवल उन सभी विद्याओं का जो माध्यम है पढ़ाने का, वो भाषा संस्कृत होती थी, प्राकृत होती थी, पाली होती थी। लेकिन जिस ऋग्वेदीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, उस समय विशुद्ध संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता था। तो विषय होते थे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या आते हैं, वेद, संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और
जो वेदांग होते हैं, स्मृतियां ग्रंथ होती है, स्मृति ग्रंथ होते हैं, ये सब वैदिक साहित्य में आते हैं। इसके अलावा गणित पढ़ाई जाती थी, ज्योतिष पढ़ाई जाती थी, तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र वैसे तो इसके अंतर्गत दर्शन भी आता है, लेकिन आप इसको रीजनिंग में भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है व्याकरण, युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। बस फर्क इतना था कि ये व्यवहारिक अधिक होते थे, पढ़ने वाली चीजें इनमें कम दिखाया करते थे वो लोग। यानी गणित जो व्यवहार में काम आ जाए, ज्योतिष जो सर्वोत्तम प्रकार के नक्षत्र इत्यादि का जो बहुत अच्छा ज्ञान है, जिस पर कि आज की जो विज्ञान टिकी हुई है, इसका आधार उस वक्त की ज्योतिष ही है। तो इस प्रकार ये सभी विषय उस समय पढ़ाए जाते थे। बस इनका जो माध्यम होता था पढ़ाने का, वो संस्कृत होता था। आप देखते हैं व्यक्तिगत अध्ययन, जैसे वर्तमान में हम ट्यूशन रखते हैं, अपने घर पे कोई टीचर आता है पढ़ाने के लिए, जिसे होम ट्यूशन कहा जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन जिन अध्यापकों के द्वारा किया जाता था, उसको पुरोहित कहते थे। पुरोहित हमेशा घर पे आता था, बाकी सभी जितने भी टीचर्स थे उनके पास पढ़ने जाना पड़ता था। यानी कि ये पुरोहित कैसा है, जो व्यक्तिगत रूप से धन लाभ के लिए पढ़ाता था और अपनी आजीविका चलाता था। ठीक है, तो एक तरह से ट्यूशन की तरह हम इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये वैदिक काल की समस्त शिक्षा व्यवस्था है। अब उत्तर वैदिक काल में क्या पढ़ाया जाता था, इसके अंतर्गत देखते हैं कि वेदों को सुरक्षित रखने के लिए अब भी हमने कागज इत्यादि का प्रयोग कम से कम किया था। बहुत ही विशेष चीजों के लिए ताड़पत्रों का हम प्रयोग करते थे। इस समय शब्द शास्त्र को बहुत अधिक महत्व देने लगा था। यानी कि जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, वो मौखिक 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 केवल सुनने और सुनाने, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, शब्द शास्त्र, यानी कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसे अभिव्यक्त करने के लिए एक भिन्न पद्धति को हम प्रयोग करें, उसमें छंदों का प्रयोग करके उसको और अधिक रसिक बना लें। तो इस प्रकार से छंद निरुक्त इत्यादि को अधिक इसके अंतर्गत महत्व दिया गया। दूसरी बात, वेदों को कंठस्थ करने के लिए, वेदों का ज्ञान सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, जैसे जटापाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ, पदपाठ इत्यादि। ये क्या है, ये जो सस्वर वैदिक मंत्रों का अध्ययन किया जाता है, उन वैदिक अध्ययनों को, उन मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए मतलब वैदिक मंत्रों को कई प्रकार से बोलने की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा मंत्र भी याद होता है और उसकी व्याकरण इत्यादि से सुरक्षा भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ये पढ़ाया जाता था। अब हम देखेंगे कि उस समय से लेकर, वैदिक काल से लेकर के, और जो स्मृति इत्यादि का काल है, यानी आधुनिक काल से पहले पहले पूरा प्राचीन काल का जो साहित्य था, उसमें किस किस काल में कौन कौन से विषय पढ़ाने प्रमुख रूप से पढ़ाए गए थे, इनके विषय में हम जानेंगे। इसके अंतर्गत आप देखते हैं दोस्तों बौद्ध शिक्षा। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हालांकि इन दोनों धर्मों का जो आविर्भाव हुआ था वैदिक काल से काफी बाद में हुआ था, लेकिन ये जो दोनों धर्म हैं जिनका के भारत में आविर्भाव हुआ, और इन धर्मों के भारत में आने की वजह से बहुत ज्यादा शिक्षा के अंतर्गत भी परिवर्तन आया, ज्ञान की एक नई विधा खुल गई, और एक दृष्टिकोण, एक भिन्न दृष्टिकोण से ज्ञान को रखने के लिए जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया। लेकिन जो अंततः मनुष्य का लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति, इन सभी ग्रंथों का, अध्ययनों का जो अंतिम उद्देश्य होता था वो वही होता था, सांसारिक विद्या जीने के लिए, आध्यात्मिक विद्या मोक्ष के लिए। तो बौद्ध शिक्षा, इसके द्वारा शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन आए ये देखते हैं। सबसे पहले तो जो बौद्ध शिक्षा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो त्रिपिटकों से होता है। त्रिपिटक क्या होते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं, इनको त्रिपिटक कहा जाता है। जैसे वेदों की भाषा संस्कृत होती है, बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या है, पाली। और इनकी शिक्षा का भी क्या उद्देश्य था, शील और चरित्र का निर्माण। शील कहते हैं सदाचार को, सदाचार यानी कि कोई भी नैतिक मर्यादा, सदाचार, चारित्रिक विकास करके समाज को एक उत्तम नागरिक प्रदान करना, इनकी भी शिक्षा का यही उद्देश्य था। अब इन्होंने एक चीज और बताई, ये क्या बताई इन्होंने, स्वाध्याय को उच्च स्थान दिया। यद्यपि स्वाध्याय तो भारतीय संस्कृति में वेदों से ही प्रारंभ था, लेकिन इन्होंने बौद्ध शिक्षा में स्वाध्याय को और अधिक ऊंचा स्थान दिया। इन्होंने कहा कि जो पढ़कर के शिक्षा प्राप्त की जाती है चारों तरफ से, उसे प्रज्ञा कहा जाता है। इस पढ़कर के शिक्षा से क्या प्राप्त, ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन हम एक तो उपदेश सुनते हैं, उन उपदेशों को सुनकर के उसके अनुसार स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं,
उसके पश्चात हमारे दिमाग में ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसको प्रज्ञा यहाँ पर कहा गया है। शिक्षा के लक्षणों को इन्होंने तीन भागों में बांटा, जो शिक्षित है वो चारित्रिक हो, दूसरा जो शिक्षित है वो बौद्धिक हो, बुद्धि से काम करे, और तीसरा जिसने शिक्षा प्राप्त की है उसे अध्यात्म में रुचि होनी चाहिए। तो शिक्षा के लक्षण इन्होंने तीन प्रकार से दिए, चरित्र, बुद्धि और अध्यात्म। चरित्र, बुद्धि और अध्यात्म, ये तीन चीजें बौद्ध शिक्षा हमें सिखाती है। यानी कि बौद्ध जो लोग थे वो कहते थे कि शिक्षा के तीन लक्षण है, यदि कोई शिक्षित है तो उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए, उसके प्रत्येक कार्य में उसकी बुद्धि का प्रक्षेपण हमको दिखाई देना चाहिए, तीसरी चीज हमें उसके जो कार्य है उसमें आध्यात्मिकता दिखाई देनी चाहिए। अगला है प्रश्नोत्तर। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत जो उपदेश दिए जाते थे उसमें जिज्ञासाओं को शांत किया जाता था, यानी कि जो भी वो गुरु होते थे गौतम बुद्ध से लेकर के जितने भी उनके गुरु हुए उन सब में ये था कि सभा के बीच में बैठकर के जब वो उपदेश दे रहे हैं तो हर व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को पूछ सकता था। तो प्रश्नोत्तर ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है, जिज्ञासाएं शांत होती है, नवीन ज्ञान भी हमको प्राप्त होता है। दूसरी चीज, आप देखिए बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र है, जैसे कि हमारी जो वैदिक शिक्षा है इसके केंद्र होते थे आश्रम, गुरुकुल इत्यादि, तो इनकी शिक्षा के केंद्र होते थे उनको विहार कहा जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियां रहती थी। अब देखते हैं इनके केंद्र कौन कौन से थे, इन केंद्रों को हम देखते हैं, यानी कि वैदिक शिक्षा के केंद्र और बौद्ध शिक्षा के केंद्र। बौद्ध शिक्षा के केंद्रों को हम विहार कहते हैं, जबकि वैदिक शिक्षा के जो केंद्र है उनको हम आश्रम कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वैदिक शिक्षा के केंद्रों की, ये बार बार पूछे गए हैं आपसे सुमेलित करने के लिए, यही प्रश्न पूछे जाएंगे बार बार। तो देखिए, हिमालय पर वेदव्यास जी का आश्रम था, दंडकारण्य के अंतर्गत अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। ये जो दंडकारण्य है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वेदव्यास जी का जो आश्रम है ये हिमालय में है, ठीक है। तो हिमालय की जो तलहटी है उस क्षेत्र पर के आसपास ये पाए जाते हैं। इसके बाद आता है महेंद्र पर्वत, यहाँ जो कि परशुराम जी का आश्रम था वहाँ महेंद्र पर्वत पर, ये भी यूपी में पड़ता है। नहीं, महेंद्र पर्वत जो है ये यूपी में नहीं है, महेंद्र पर्वत परशुराम जी की स्थली मानी जाती है जहाँ इन्होंने अपना आश्रम रखा था। चित्रकूट जो कि वर्तमान एमपी में है, यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम था। अयोध्या जिस पर बहुत ही विवाद है आजकल, ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम था जो कि वर्तमान यूपी में पड़ता है। प्रयाग ये भारद्वाज ऋषि का आश्रम था जो कि यूपी में है, और नैमिषारण्य ये शौनक ऋषि का आश्रम था जो कि वर्तमान में यूपी में है। तो अब हमको ये देखना है कि तीन जो ये आश्रम है, यानी कि वशिष्ठ ऋषि का अयोध्या में, भारद्वाज ऋषि का प्रयाग में, और शौनक ऋषि का नैमिषारण्य में, तो ये तीनों जो आश्रम है ये यूपी में है। अगस्त्य मुनि जो कि दंडकारण्य इनका आश्रम है, और वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जो कि चित्रकूट है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है अगस्त्य ऋषि का, एमपी में पड़ता है वाल्मीकि ऋषि का, हिमालय में पड़ता है वेदव्यास जी का। ये इस प्रकार से वैदिक शिक्षा के जो आश्रम थे उनका हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करते हैं बौद्ध शिक्षा के केंद्र। पहली बात तो ये कि बौद्ध शिक्षा के केंद्र जो होते थे उसको विहार कहा जाता था, और ये प्रसिद्ध विहार हमें इतिहास में अभी प्राप्त होते हैं। ये देखिए, वैशाली जो कि आम्रकुंज में है, श्रावस्ती जो कि जेतवन में है, राजग्रह वेखुवन और कपिल वस्तु निग्रोथा और कन्नौज यहाँ का मद्र विहार प्रसिद्ध है। ये जो हैं ये सब विहारों के नाम हैं, तथा ये आगे जो लिखे हैं वैशाली, श्रावस्ती, राजग्रह, कपिल वस्तु और कन्नौज, ये सब यूपी बिहार के आसपास के क्षेत्र हैं सभी। तो इसके अंतर्गत ये स्थानों के नाम हैं जबकि ये विहारों के नाम हैं। प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति क्या थी, शिक्षार्थी कैसे थे, शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, क्या अध्ययन करवाया जाता था, क्या उनका पाठ्यक्रम इत्यादि होता था, इन सभी के विषय में आज हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इससे अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे उस समय के संस्थान, यानी कि तक्षशिला, नालंदा इत्यादि जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं, इनके विषय में अगले वीडियो में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चरर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत धन्यवाद।